सेल्फी ने हमारी इबादतों को बहुत ही ज़्यादा मुतासिर किया है। एक आदमी नमाज पढ़ने की हालत को भी वो सेल्फी में कैश करता है, यहाँ तक कि कुर्बानी का जो बकरा है उसको जब ख़रीदता है उसका भी फ़ोटो वो सोशल मीडिया में डालता है, दिखाता है कि इतने का बकरा है, इतने में हमने ख़रीदा है। सदका कर रहे हैं, गरीब मिस्कीन मोहताज की मदद कर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और अखबार में डाल दे रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल दे रहे हैं। ये क्या है सब? और तो और, जो हज करने वाले उनमें से बाज हाजी हजरात ऐसे भी हैं कि हज करने जा रहे हैं सेल्फी, जहाज़ में बैठ रहे हैं सेल्फी, उतर रहे हैं सेल्फी, अभी मैं उतर रहा हूँ, तवाफ़ कर रहे हैं सेल्फी, और ना जाने यहाँ तक के ज़बह कर रहे हैं, बाल का मुंडन कर रहे हैं वहाँ भी सेल्फी, कंकरी फेंक रहे हैं वहाँ भी सेल्फी। क्या है फिर? ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ दुनिया में हाजी कहलाना मकसद होता है, शोहरत पाना मकसद होता है। तो क्या होता है ये शोहरत का? जब आदमी भूखा हो जाता है, हर नेकी का मकसद और हर नेकी से वो दुनिया ही में नाम कमाना चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, कुरान हदीस के मुताबिक आप अमल कर रहे हैं, शरीयत के मुताबिक आप अमल कर रहे हैं, तरीक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आप अमल कर रहे हैं, आपका हज तरीक़े रसूल के मुताबिक है, आपकी नमाज तरीक़े रसूल के मुताबिक है, ज़कात तरीक़े रसूल के मुताबिक है, सदका तरीक़े रसूल के मुताबिक है, रोज़ा तरीक़े रसूल के मुताबिक है, लेकिन मकसद क्या है? हाजी कहलाना मकसद है, नमाजी कहलाना मकसद है, रोज़ा रखने वाला कहलाना मकसद है, बहादुर कहलाना मकसद है, दुनिया में शोहरत पाना मकसद है नेकियां करके, तो आपकी पहाड़ जैसी नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।